विमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और नीरज जी आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी, क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें भाजपा के पक्ष में आ सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, भले वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपना अपना पक्ष में मतदान होने का दावा कर रही है, अपनी अपनी सरकार आने का दावा कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, राजस्थान में हम फिर से 25 की 25 लोकसभा सीट वापस अपनी झोली में डालने वाले हैं और पूरे देश में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पिछली बार हमारी 282 इटसेल्फ सीटें थी, इस बार हमें लगता है कि हम यह आंकड़ा 300 के पार कर लेंगे। जी विमल जी, और जिस तरह से नीरज जी आपको क्या लगता है, इस तरह से कि प्रदेश में माहौल है, माहौल किसके पक्ष में है, ये आपने कहा कि हम एक चैनल के माध्यम से पत्रकार के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अगर बात की जाए कि इतनी जागरूकता जिस तरह से जनता में देखने को मिल रही है मतदान का प्रयोग करने के लिए, और अभी अभी विमल जी ने कुछ देर पहले दावा किया कि ये जागरूकता बीजेपी के जरिए हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए ज्योति, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो भी पार्टी है उसका दावा ये होना भी चाहिए कि जितनी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं उन तमाम सीटों पर वो जीतेंगे। यदि वो कह दे कि नहीं, हमको तो 25 में से 20 सीट मिलेगी, तो आखिरकार फिर हमारे जैसे लोगों के सवाल होंगे, कार्यकर्ताओं के सवाल होंगे, जनता के सवाल होंगे कि आखिरकार वो 5 सीट कौन सी जो आप हारने वाले हैं, तो उनसे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावा ठीक है, वो अपनी जगह दावा ठीक कर रहे हैं कि हमारी वापस 25 की 25 रिपीट होगी, मिशन 25 में कामयाब होंगे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, वो मिशन 25 में कामयाब होंगे। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कुश्ती दो व्यक्ति लड़ते हैं, पहलवान दो व्यक्ति लड़ते हैं, तो जो हारने वाला होता है, सामने वाला को पता है कि सामने वाला बहुत मजबूत है, लेकिन मैदान खाली भी नहीं छोड़ा जाता, और कमज़ोर व्यक्ति भी होता है तो लास्ट तक जब तक उसको पटकने नहीं लग जाती तब तक वो मानता नहीं है कि उसकी हार होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा अपनी जगह ठीक है कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे, हालांकि इनकी 25 सीटें वो गठबंधन में है तो 25 सीटें जीतेंगे, बिल्कुल 25 बनी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी भी ये कहनी है, जैसा थोड़ी देर पहले भी जो बयान आया था उसमें भी ये था कि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि जो बढ़ता हुआ मतदान का प्रतिशत है वो उनके पक्ष में है, उनके फेवर में है, और जो है नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और 25 की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन अब ये फैसला तो जनता ने कर दिया है, और जो बाकी समय बचा है 2 घंटे का उसमें और कर देगी, तो कुल मिलाकर जो इसका असली फैसला था ज्योति, वो जनता ने कर दिया है, जनता ही इसमें फैसला करने वाली है। और दावे दोनों पार्टियों के अपनी अपनी जगह, और दावे के अनुसार ही कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होता है, इसीलिए कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि वो चुनाव में कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं या कमतर पड़ रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है। तो विमल जी की अच्छी बात है, उनको लगना चाहिए कि 25 की 25 सीट जीत रहे हैं। जी नीरज जी और जी विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इन चर्चाओं में जुड़ने के लिए, और जिस तरह से कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में आज देश की जनता अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए सभी लोग आगे नजर आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन चर्चाओं में शामिल होने के लिए।